हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे कल हमने जो टॉपिक किया था वो आपका वॉइसेस वाला दिया था। अब हम टॉपिक देखेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा टॉपिक नरेशन। नरेशन टॉपिक जिसको हम भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, अलग अलग नाम हैं जिसको। ये सबसे पहली बात आपको 4 मार्क्स का आएगा, 4 नंबर का आपको आएगा। इसमें 4 आपको एग्जांपल दिए जाएंगे और उन्हें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा। इसको भिन्न भिन्न नामों से कैसे कौन कौन से नाम से जानते हैं, देखो। एक तो नरेशन के नाम से जान लेते हैं, एक होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। इसको हम दूसरा नाम रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं। एक है हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। तो देखिए, ये हमारा जो नरेशन है, सबसे पहली बात, नरेशन शब्द जो बनाए वो नरेट क्रिया से बनाए। नरेट मीन्स वर्णन करना, कहना, और यहाँ अर्थ निकलेगा नरेशन मतलब कथन, स्टेटमेंट। आपको वाक्य दिया जाएगा और वाक्य देने में आपको उसका नरेशन चेंज करना है। उसमें देखो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, जरा आप ध्यान से देखें। सबसे पहली बात, एक हम कह देते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, अर्थात ऐसा स्टेटमेंट जिसको श्रोता के द्वारा बोल दिया जाता है, श्रोता के द्वारा स्टेटमेंट कर दिया जाता है, और श्रोता के स्टेटमेंट को हम एज इट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करके लिख देते हैं। जो कुछ भी उसने बोला है उसको हमने एज इट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करके लिख दिया। अर्थात डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन उसको कहेंगे जब वक्ता के कथनों को ज्यों के त्यों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करके लिख दिया जाता है। वो हमारा प्रत्यक्ष कथन होता है। दूसरा आता है हमारा जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है, क्या नहीं होता है वो देखिए। इनडायरेक्ट स्पीच इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। क्या होता है उसको देखिए, जब वक्ता के कथनों को ज्यों के त्यों इन्वर्टेड कॉमा में ना लिख करके श्रोता के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपनी भाषा में बदल कर बोला या लिखा जाता है, वो हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। आपको यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया। एक मैं आपको एक पहले उदाहरण बता देता हूँ। जैसे ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमन आई एम Going to, I am going to school with your brother. इसका हम यहां देखें, he said to me, उसने मुझसे कहा। अब इसने क्या कहा था, I am going to school with your brother, मैं आपके भाई के साथ विद्यालय जा रहा हूं, ये कह करके मुझसे चला गया। अब मान लो किसी ने मुझसे पूछा तो मैं इसकी बात को अपनी भाषा में बदल करके कैसे बोलूंगा कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। क्या बताया, दैट की, इसको बदलेंगे इसके अनुसार ही वॉज गोइंग टू स्कूल With my brother, कि वह मेरे भाई के साथ विद्यालय जा रहा था।
उसने कहा, उसने क्या कहा था, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे भाई के साथ विद्यालय जा रहा हूँ। और यहाँ जब ये मेरे द्वारा उसके वचनों को बदल करके लिखा गया तो उसने मुझे बताया कि वह मेरे भाई के साथ विद्यालय जा रहा था, ये हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं कैसे नहीं बदलते जरा आप ध्यान दीजिए। जैसे देखो यहां मैं आपको बताता हूं, इसमें आप गौर करके देखिए, हम यहां पर इसको गौर करके देखें कि इसमें दो वाक्य हैं, डायरेक्ट स्पीच में दो वाक्य हैं, एक तो यहां से यहां तक का है और एक इन्वर्टेड कॉमा से अंदर लिखा गया है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ भाग है और इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला भाग है। जो भाग इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है वह कहलाता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है एक बार, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इसको हटा देता हूँ, जैसे नियम बताएंगे इसको बदलने के लिए कैसे है कैसे नहीं है वो देखिए। यहाँ इसको बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा रिपोर्टेड स्पीच हो गया, रिपोर्टेड स्पीच इसके दो भाग हुए। अच्छा क्या ये जरूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य पहले मिले और रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य पीछे मिले? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये वाक्य आपको पहले मिल सकता है, ये वाक्य पीछे मिल सकता है। हाँ ये निश्चित है, क्या निश्चित है कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर लिखा हुआ है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। ये वाक्य यहाँ हो सकता है, ये वाक्य यहाँ हो सकता है। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, जब आप नरेशन चेंज करोगे, नरेशन चेंज करते समय यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य पीछे लिख रखा है तो उसको आप आगे लाओगे और रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य को पीछे ले जाओगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ कनेक्टिव जोड़ना है, कनेक्टिव जोड़ना है। यदि ये वाक्य पीछे है तो कनेक्टिव किसके साथ जोड़ें? स्टेटमेंट कहने वाला हम जब तक आगे नहीं लाएंगे तो वाक्य कैसे जोड़ा जाएगा? स्टेटमेंट को पहले लिखा गया है और कहने वाला जो स्पीकर है वो पीछे है, ऐसा हो नहीं सकता है। जबकि जब हम इसका नरेशन चेंज करेंगे तो स्टेटमेंट जो स्पीकर है बोलने वाला है उसको हम पहले लाएंगे और जब इस बात को पीछे ले जाएंगे कनेक्टिव लगाएंगे, ये रीजन इसका। इसके बाद अब हम इसको चेंज करते हैं तो कैसे कैसे चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं क्या नहीं करते हैं? थोड़ा सा आप गौर करके सुने, मैं आपको नरेशन चेंज यानी डायरेक्टली इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको चार पांच नियम बता, उनको आप थोड़ा सा गौर करके सुने। सबसे पहली बात यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य जिसको हम शॉर्ट में आर एस वाला वाक्य कह देते हैं, यानी रिपोर्टेड से आर और स्पीच से एस, ऐसे इसको हम आर बी वाला वाक्य कह देते हैं। ये वाक्य ये आर एस वाले वाक्य में, यहाँ जो आर एस वाला वाक्य है इसमें मैं आपको बदलने के लिए चार नियम बताऊँ, चार नियम आप लोग ध्यान रखें। चार नियम कैसे कौन कौन से हैं कैसे नहीं है पहले तो हम इन नियमों को समझेंगे। दूसरी बात अगला जो पांचवा नियम होगा उसमें ये क्रिया बदलना और दोनों बातों को कनेक्ट करना, बस पांचवें नियम का काम ये है। अच्छा इसमें आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी कि जो हमारा आर्मी वाला बात है इसमें जो पहले पहले लिखा हुआ है कुछ भी लिखा हुआ हो इस जगह पर I, B, U, E, C, it, they या कोई नाउन कुछ भी लिखा हुआ हो वो हमारा सब्जेक्ट माना जाएगा। इस जगह पर जो कुछ भी लिखा होगा वो सब्जेक्ट माना जाएगा और यहां पर जो लिखा हुआ है कोई भी हो जैसे मी है मी आस यू हिम हर इट देम या कोई नाउन कुछ भी हो इस जगह पर वो ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अच्छा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट
ये दोनों वो चीज हैं, जब हम इनका नरेशन चेंज करेंगे इनको हम एज इट लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे इनमें, इनको एज इट लिखा जाएगा, इसको एज इट लिखा जाएगा, इसको एज इट लिखा जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नियम कौन कौन से हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं, क्या है क्या नहीं है, देखिए आप सबसे पहला नियम, नियम नंबर एक, नियम नंबर एक, इसमें आपने देखा हो हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन का इंडेक्स यहां पर आता है, पर्सनल प्रोनाउन जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कैसे कैसे हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो जरा आप देखिए, इधर स्पेस थोड़ा रहेगा, ऊपर ले लेते हैं इसको। जैसा कि हमारा एग्जांपल था, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू स्कूल विद योर ब्रदर। इसके लिए एक बात और कहना चाहूंगा, ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है और इसको आप लोगों के लिए मेरे एक आग्रह है आपसे कि आप इसको अच्छी तरह से देख लें, अच्छी तरह से समझ लें। क्यों? क्योंकि आपका अब आप समझ लेंगे तो ये पूरी जिंदगी जब तक ये चलेगा तब तक ये इसी प्रकार से काम करेगा, इसी प्रकार से यूज में किया जाए। देखिए जैसे कि मैंने बताया, ये हो गया आरबी वाला वाक्य, ये हो गया आर एस वाला वाक्य, इसमें मैंने ये बताया था इस जगह पर जो कुछ भी लिख रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा, इस जगह पर जो कुछ भी लिख रहा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहला नियम, जो नियम नंबर एक बता रहा था मैं आपको, नियम नंबर एक, नियम नंबर एक क्या है, पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन का इंडेक्स जो होता है वो देखना हमें, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं एक चार्ट बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद लिखेंगे जिनको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह लो या एम्फेटिक प्रोनाउन कह लो, या लास्ट में आता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहां हम लेंगे, देखिए ये नंबर एक का हो गया हमारा कॉलम, ये नंबर दो, कॉलम नंबर तीन, कॉलम नंबर चार, कॉलम नंबर पांच, इनको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इनको हमें जब आवश्यकता होगी तो चेंज करने के लिए हमें बहुत ही जरूरी होंगे। अब हम यहाँ चलते हैं, इधर सबसे पहले लेते हैं जो यहाँ लेंगे पर्सन, पर्सन लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है वो अपने आप में फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन जो श्रोता होता है, सुनने वाला लिसनर जिसको कहते हैं वो, ये हो गया वक्ता बोलने वाला, और ये हो गया श्रोता सुनने वाला। इसके बाद जिसके बारे में वक्ता और श्रोता दोनों बातचीत करते हैं वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, बोलने वाला यदि एक है, अकेला है बोलने वाला, तो अपने लिए आई यानी मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो वो अपने लिए मैं यूज करेगा।
तो इस वजह, और यदि बोलने वाले ज्यादा हैं, हम आते हैं, हम पढ़ते हैं, ऐसे यदि बोलने वाले ज्यादा हैं तो वो अपने लिए हम यूज कर रहे हैं, यानी बहुवचन है। इस वजह से फर्स्ट पर्सन को दो भागों में बांट देते हैं। नंबर एक मैं, आई, इसके बाद आता है हमारा बी, एक है बोलने वाला तो आई यूज होगा, ज्यादा है तो बी यूज होगा, सुनने वाला एक हो चाहे हजार हो सबके लिए यू होता है। इसके बाद जिसके बारे में बातचीत की जा रही है वो यदि पुल्लिंग एक वचन है तो उसके लिए ही यूज करते हैं, पुल्लिंग वो स्त्रीलिंग एक वचन है तो उसके लिए सी यूज करते हैं, एक वचन वस्तु या जानवर है तो उसके लिए इट यूज करते हैं, और बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए दे यूज किया जाता है। ये आपके सब्जेक्ट हुए, जितने भी प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं वो आपको ये लिखे गए हैं। इसके बाद अगला आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो इंडेक्स है ऑब्जेक्ट वाला कॉलम आता है। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, यानी आई एक नंबर पर है, मी दो नंबर पर है। बी का होता है अस, यू का होता है यू, देखो यहाँ भी यू और यहाँ यू, इन दोनों में अंतर कैसे होगा, ये तो होगा एम बी से पहले, ये होता है एम बी से पहले होगा, और ये होगा एम बी के बाद, एम बी मतलब मेन वर्ब, एम बी के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का होता है हर, इट का होता है इट, और दे का होता है देम। ये जो इनमें अंतर है वही इनमें अंतर है, ये मेन वर्ब से पहले, ये मेन वर्ब के बाद, ये पहले नंबर का हो गया, ये दूसरे नंबर का हो गया। तीसरे नंबर पर आई का रिलेटिव होता है माई, बी का होता है अवर, यू का होता है योर, ही का होता है हिज, सी का होता है हर। अब इन दोनों में अंतर, यहाँ भी हर है और यहाँ भी हर है, हम कैसे अंतर करेंगे कि ये है या ये है, इसके साथ तो होगी नाउन, तीसरे नंबर का जो होता है उसके साथ होगी नाउन, और इसके साथ नाउन में होगी, ये अकेला होगा, सिंगल होगा। इसके बाद आता है इट्स, इसके बाद आता है दियर, THEIR, ये होता है दियर। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है कि अगला आता है हमारा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव देखो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए तो हम इनके साथ ही एक वचन के लिए सेल्फ और बहुवचन के लिए सेल्फ जोड़ देंगे। जैसे माई एक वचन का यहाँ जोड़ा हमने माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव बन गया, ये बहुवचन है, बहुवचन के लिए जोड़ेंगे सेल्फ, ये हो जाएगा। और इसमें दोनों होते हैं, एक वचन भी होता है योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, ऐसे होता है हिम सेल्फ, ये होता है, इसका होता है हर सेल्फ, इनके इन में लगेगा कर्म कारक में हर सेल्फ, और इसमें इट सेल्फ, इसमें होता है दे का होगा देम सेल्फ, दे का होता है देम सेल्फ, इस प्रकार से इनका वो कर दिया जाता है। उसके बाद इसका पजेसिव, इसका पजेसिव अलग है, बस बाकी सबका हो जाता है। आई का पजेसिव होता है माइन, इसमें एस लगा दो आवर्स, इसमें एस लगा दो योर्स, इसको एजिट लिख दो, इसमें और इसमें अंतर क्या होगा, इसके इसका होगा रिलेटिव होगा तो नाउन होगी, ये सिंगल होगा अकेला होगा। इसके बाद इसका होता है हर्ष, इसको लिखेंगे इट्स, और इसका देयर्स, जैसे इनमें ये इसके साथ नाउन होगी, यहाँ सिंगल होगा अकेला होगा, तो ये आपको याद कर लेना है। और कैसे याद रखेंगे इसको, याद ऐसे रखना है आई मी माई, माई सेल्फ माइन, बी अस अवर, अवर सेल्फ अवर्स, यू यू योर, योर सेल्फ योर सेल्फ और योर्स, ही हिम हिज हिम सेल्फ और आपका हिज, ऐसे सी हर हर, हर सेल्फ हर्स,
एट इट्स एट इट्स एट और ये आपका हो जाएगा दे देम देयर देम सेल्फ देयर्स ऐसे हो जाएगा। आप देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर हम देखेंगे ये पहला नियम हो गया। नियम नंबर दो को हम कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे वो जरा आप देखिए।